इस पॉइंट पे हम सीख लेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि 5.input/output, ठीक है। ES6 भी लगा देता हूँ साथ इसके, ठीक है। ES6 लगाने का मकसद क्या है कि आपको अच्छी तरह पता हो कि जो है ना आप ES6 पढ़ रहे हैं, ताकि बाद में कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि यार आपको ES6 आती है, तो आप बोले हाँ आती है। अच्छा, इनपुट आउटपुट के लिए जी हमारे पास, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML के साथ मिलके चलती है, तो HTML के अंदर क्या होता है, हमारे पास फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है जी। तो अब हम एक अदद इसमें बना लेते हैं फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म की मैंने टाइप रख दी टेक्स्ट, और टाइप टेक्स्ट रख दी, नेम की हमें शायद ज़रूरत नहीं है, और आईडी हमने इसको एक दे दिया कि जी ये क्या है, नेम है। तो मैं इसको आईडी को नेम देने के बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि जी num1 है ये, ठीक है, num1 है। और इसकी टाइप को मैं कर देता हूँ नंबर, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि जी नंबर num1 ही लिख देता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद br लगाया मैंने ताकि लाइन एक ब्रेक हो जाए, और उसके बाद यही वाली पूरी लाइन और num2 इसको मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी भी टाइप नंबर है, और उसके बाद एक और लाइन ब्रेक, उसके बाद बटन, ठीक है। और सम लिखा है इसके ऊपर मैंने, बटन की टाइप मैंने बता दी सबमिट, ठीक है। ये एक अदद मैंने क्या कर दिया, फॉर्म बना दिया। और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, अब जावास्क्रिप्ट लिखनी है, और इसमें मैंने टाइप लगा दी मॉड्यूल, ठीक है। टाइप मॉड्यूल का मतलब है ES मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ES6 मॉड्यूल वाला नया बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एक फंक्शन लिखना है जो कि क्या करेगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो फंक्शन चलेगा, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी भाई लेट सम, ठीक है, या डू सम इसको मैं कह देता हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आप हमेशा याद रखें केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डू सम का आप नोट कीजिए मैंने एस कैपिटल रखा है, तो अगर आप इसको स्मॉल एस के साथ कॉल करेंगे आपको ये नहीं मिलेगा अवेलेबल, ठीक है। आपने एग्जैक्टली जो स्पेलिंग लिखी है केस सेंसिटिव वही इस्तेमाल करनी है आपने, जब आपको वेरिएबल मिल पाएगा, ठीक है। डू सम के अंदर मैंने क्या कहा कि जी आप क्या करो, इसमें से वैल्यू उठाओ पहली वाली, num1 है तो मैं लिखूंगा कि जी लेट num1 = document.querySelector, और क्वेरी सेलेक्टर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आगे कि जी हैश और num1, ठीक है। इसी तरह मैं num2 भी उठा लूँगा यहाँ से, num2 भी मैंने उठा लिया, तो ये दोनों मैंने चीज़ उठा ली और दोनों को मैंने क्या कर दिया, अब लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 + num2, दोनों को मैंने सम कर लिया। और सम करने के बाद इसको मैंने क्या करना है, एक यहाँ पे मैं नीचे एक डिव बना लेता हूँ, इसमें मैंने इसको डिस्प्ले करवा देना है, या मे बी H1 बना लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। H1 ये होता है कि ज़रा वो बड़ा सा दिख रहा होता है, ठीक है। और इसको मैं क्या दे देता हूँ, एक आईडी जिसको मैं कह देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट। और मैं कहता हूँ जी के जी document.querySelector, ठीक है, हैश result.innerHTML = result, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अब ये फंक्शन जब चलेगा, अब ये कब चलेगा अभी हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, जब भी ये फंक्शन चलेगा ये क्या करेगा, दोनों टाइप दोनों टेक्स्ट फील्ड में से टेक्स्ट को उठाएगा और उनको क्या करेगा, प्लस करेगा यहाँ पे,
और प्लस करने के बाद उसको रिजल्ट वाले डिव के अंदर शो करा देगा। अच्छा, लेकिन ये अब चलेगा कब, ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, तो हम ये कैसे करेंगे डिसाइड, हम इस फॉर्म को दो तरीके हैं, या तो हम ऑन सबमिट लगा दें, ठीक है, ऑन सबमिट लगा के हम क्या कर दें, डू सम कॉल कर दें, लेकिन ऐसी सूरत में ये मुझे बोलेगा कि डू सम इज़ नॉट डिफाइंड या नॉट अवेलेबल, इस तरह की कोई बात करेगा ये, ठीक है, डू सम। हाँ भाई, कोई बता सकता है कि ऐसा करने से ये एरर क्यों देगा? हाँ भाई, दिख रहा है सब लोगों को कोड, यहाँ पे नीचे फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ऑन सबमिट लगाता हूँ तो ये मुझे क्या बोलेगा कि ये फंक्शन बना हुआ मुझे मिल रहा नहीं है। करके देख लेते हैं कि वाकई ये इस तरह का एरर देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा मिसाल के तौर पे 1 2 लिखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4, और जैसे ही मैं सम दबाऊँगा तो ये बोलेगा क्या कि डू सम इज़ नॉट डिफाइंड। अब कौन मुझे बताएगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, हालांकि नीचे फंक्शन तो बना हुआ है। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत, फंक्शन को कॉल, हाँ जी, क्या करके लेट करके डिफाइन किया हुआ? नहीं नहीं, लेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेट, अच्छा तुम कह रहे हो कि अगर इसको मैं वार कर दूंगा तो ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आई थिंक के नहीं मिलेगा, ये करके देख लेते हैं। वैसे नहीं, अभी भी नहीं मिलेगा ये, ठीक है, वार करके भी नहीं मिलेगा ये। वार तो वैसे हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हम ES6 पढ़ रहे हैं ना, ES6 में वार नहीं है। हाँ, नहीं, पेज रिफ्रेश तो वो हो रहा है। हाँ देखो, अच्छी तुमने बात की है। देखो चक्कर क्या होगा, फॉर्म जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना तो पेज रिफ्रेश होता है, लेकिन मेरा एरर स्टिल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वो एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सेटिंग का बटन देख रहे हो, ये यहाँ पे सेटिंग का बटन है, जो इसको मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्रिजर्व लॉग का एक ऑप्शन है, इसको मैंने चेक लगाया हुआ है, ठीक है। तो बावजूद इसके कि मेरा पेज रिफ्रेश होता है, लेकिन मेरे लॉग जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे एक नंबर लिखा और सम का बटन दबाया, अब मैं हाथ से भी जाके ना यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना, इसको पेज रिफ्रेश हो रहा है, मेरा कॉन्सोल ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, तो वो प्रिजर्व लॉग की वजह से। वेल, रिफ्रेश होना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, अभी तो ये कह रहा है कि भाई ये फंक्शन ही नहीं मिल रहा मुझे, पहले तो इसका हल निकालूंगा, फिर रिफ्रेश का क्या हल है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं मिल रहा है। ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमने क्या लगाया है, टाइप मॉड्यूल लगाया है, और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल नया वाला मंजन है, और ये ES6 का, इसको कहते हैं ES6 मॉड्यूल, ये इसका पूरा नाम है। हाँ नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जी स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल आप बना देते हो ना, वो स्क्रिप्ट के बाहर अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो डू सम या बना हुआ है ना, वो इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर आपको वो नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपने बाहर ज़बरदस्ती करवाना है तो आप इसको करेंगे विंडो डॉट करेंगे, आप विंडो डॉट डू सम करेंगे आप, ठीक है, तो फिर आपको ये बाहर मिलने लग जाएगा, सही है। अब विंडो डॉट डू सम करके करूँगा तो ये इसको समझ आ जाएगा और ये चलना शुरू हो जाएगा। अभी रिफ्रेश तो ये स्टिल होगा, लेकिन अब जो है ना ये वो वाली बात नहीं करेगा। अबे अभी भी क्यों नॉट डिफाइन है? विंडो डॉट भी सही लगा हुआ है, डू सम की स्पेलिंग भी सही है। हाँ ठीक है, अब इसने वो वाला एरर नहीं दिया, शायद पहले वो रिफ्रेश नहीं हो पाया था पेज, ठीक है, एरर नहीं दे रहा अभी हमारा पेज, तो रिफ्रेश कर रहा है ये लेकिन एरर नहीं दे रहा। अच्छा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, विंडो डॉट करना, ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, तो इसको मैं लेट ही करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये ऑन सबमिट नहीं लगाऊँगा मैं, फिर अब ऑन सबमिट की जगह मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, मैं कहूँगा कि जी ये
यूज़र फॉर्म मैं कह देता हूँ इसको मैं, ठीक है, यूज़र फॉर्म इसको मैंने एक आईडी दे दी, और मैं इधर आके अंदर आके मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके ऊपर मैं लगाऊँगा सबमिट, ठीक है, और सबमिट के बाद ये पूरा फंक्शन मैं इसको दे दूंगा, जैसे ये डू सम के नाम का फंक्शन है ना, वो मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ES6 के मॉड्यूल में ये भी एक है बात, जो अच्छी बात है, जो कि फंक्शन जहाँ पे बना हुआ है ना, उससे पहले फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो ये कोड भी मुझे एरर देगा। हालांकि ES5 में ये कोड बिल्कुल सही है, लेकिन ES6 में ये कोड मुझे एरर देगा, वो बोलेगा कि ये जो डू सम की आप बात कर रहे हो ना, ये डू सम तो है ही नहीं, क्योंकि ये बना अगली लाइन पर है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम चला के देख लेते हैं, ये एरर देना चाहिए उसको। रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि भाई डू सम बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस। तो इसको हमने क्या करना है, इस लाइन को कट करके एटलीस्ट इसको मुझे फंक्शन जहाँ पे बन के ख़त्म हुआ है उसके बाद ले जाना पड़ेगा, तो अब मेरा ये कोड जो है वो सही चलेगा। अच्छा, अब चक्कर क्या है, इसको रिफ्रेश को कैसे रोका जाए, रिफ्रेश को रोकने के लिए यहाँ पर मुझे इवेंट मिलता है, ठीक है, और इवेंट के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। और इसीलिए इस कोर्स के अंदर ये लिखा गया था कि जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर मैं बेसिक पूरी पढ़ाऊँगा तो फिर तो पता नहीं, शायद 4 महीने जावास्क्रिप्ट ही पढ़ाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो वो मोटी मोटी चीज़ें हम कवर कर लेंगे यहाँ पे जो आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब आपको अगर मुझे ये समझाना पड़ जाए कि यार ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, क्या होता है, इसकी अगर इन डेप्थ आपको जाना पड़े, तो फिर ये एक मसला हो सकता है ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब लोगों को समझ आ रहा है कि ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सब लोगों को समझ आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये समझ ना आ रहा हो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट आपको नहीं पता क्या होता है? अच्छा, और कोई है जिसको ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं पता है? आपको भी नहीं पता, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को ना प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। इवेंट्स का एक पूरा, इवेंट्स एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अब ये पूरा इवेंट जब तक आपको पता नहीं होगा ना, आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कभी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मैं मोटी मोटी बात अगर दो जुमले में आते हैं, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोक देता है। यानी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, सबमिट के बटन के क्लिक होने पे फॉर्म रीसेट हो जाता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये दो चीज़ें होती हैं, तो वो दोनों चीज़ें अब ये नहीं होने देगा, ठीक है, फॉर्म रीसेट नहीं होगा ना पेज रिफ्रेश होगा, ठीक है। अब वो पेज रिफ्रेश क्यों होता था इन द फर्स्ट प्लेस, पेज रिफ्रेश करने की क्या ज़रूरत पड़ती थी? अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जी यहाँ पर 22 और अगली लाइन में भी 22। क्या रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए इसका? 44 होना चाहिए। कोड को देख लो एक दफ़ा, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है, है? नहीं, कोई एरर आ जाएगा, क्या होगा, कोड को देख के क्या लग रहा है, चलो इस लाइन को देख के क्या लग रहा है, बाईस आ जाएगा। अच्छा, 22 कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं, चला के देखा है या वैसे ही कह रहे हो? ये कॉनकैडिनेट होगा, सही है, और कॉनकैडिनेट भी ये कैसे हुआ है, कॉनकैडिनेट भी नहीं हुआ ये, तो इसकी तो डॉट वैल्यू मैंने पकड़ी नहीं है ना यहाँ पर, डॉट वैल्यू पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा, जो मैं भी भूल गया था कि डॉट वैल्यू अब होगा कौन कैडिनेट, ये मैंने 22 लिखा और 44 लिखा, तो अब ये 2244 आ जाएगा, कौन कैडिनेट हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पार्स करना होगा, ठीक है। पार्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लस लगा दूँ तो हो जाएगा काम, ठीक है। पार्स करने का एक और तरीका कौन सा है, नंबर है, ठीक है, नंबर का मेथड है, उसके ज़रिए भी मैं कर सकता हूँ, मेथड नहीं है, ग्लोबल फंक्शन है एक्चुअली। अब मैं 22 और 22 लिखूंगा तो अब 44 आएगा। ये समझ आया सबको कैसे हुआ ये? कभी भी हम जब टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाते हैं,
बावजूद इसके कि मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप नंबर लिखी हुई है, जब मैं वैल्यू उठाता हूँ तो वो मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू मिलती है, ठीक है। जब मैं वैल्यू को उठाता हूँ तो मुझे वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलती है। मैंने 22 लिखा था, जब 22 मुझे जावास्क्रिप्ट में मिलेगा तो स्ट्रिंग में मुझे वो 22 मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जब मैं दो स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस करता हूँ तो वो सम नहीं होती बल्कि वो कॉन्कैटिनेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसको पहले पार्स करना पड़ता है। अच्छा, अगर यहाँ पे इसको मैं माइनस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको पार्स कर लेता है, क्योंकि माइनस में कोई और सिचुएशन नहीं है। प्लस के अंदर सम टाइम में कॉन्कैटिनेट करना चाहूँगा, सम टाइम में सम करना चाहूँगा, तो स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट जब प्लस होता है तो उसको कॉन्कैटिनेट करता है, इस वजह से ये ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ना ऐसी एक ऐप बनानी है जिसके अंदर आपने मिनिमम 4 ऑपरेटर जो है ना इधर लगाने हैं आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और उसमें सारी कंडीशंस को हैंडल भी करना है आपने। मिसाल के तौर पे अगर कोई डिवाइड कर रहा है ज़ीरो से, अगर क्योंकि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट तो आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो इफ एल्स भी आपको आता है आई एम एज्यूमिंग, तो आपने उसमें कंडीशंस को हैंडल करना है। अगर कोई ज़ीरो से डिवाइड कर रहा है तो आपने उसको बताना है कि जी ज़ीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैं मिनिमम की लिमिट बता रहा हूँ, हमेशा मैं क्लास में जो असाइनमेंट देता हूँ वो दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि जी इतना आपने कम से कम करना है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 4 की जगह 8 ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, या आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करने वाला भी एक ऐप छोटी सी बना सकते हैं। तो जो भी कुछ आप कर सकें वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। मिनिमम ये आपने 4 ऑपरेटर इधर लगाने, ऐसे 4 डब्बे अलग अलग बने हुए आ रहे हो मे बी, या 4 बटन आ रहे हो, डब्बे 2 ही हों, 4, जैसे आपको मुनासिब लगे, जैसे आप कर पाएँ, ठीक है, जैसे आपको लगे कि यार सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा तो आपने वैसे करके करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में।